So hey, what's up guys, how are you all? Welcome back to another brand new video, and first of all wishing you all a very very happy Independence Day guys. Completely geared up, so just as to take a feel of the ride. Baki maine riding boots hi pehne hai aaj, aisa nahi matlab ride ho raha tha, work related ride lekin proper ride hai. So this is what it is. So आज के वीडियो में आप लोगों को कोई ज्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा एनीवेज, लेकिन स्टिल मैं पहले सोच रहा था कैमरा भी नहीं लेके जाऊंगा, फिर तुम लोग सोचोगे कि ये साला बंदा कहाँ गायब हो गया, तो सोचा कि चलो कोई ना एक छोटा सा वीडियो दे ही देंगे तो क्या प्रॉब्लम है. चलो राइड के शुरू होते ही आई डिड अ ब्लंडर. मैं कैमरा ऑन छोड़ दिया था, लाइक रिकॉर्डिंग मोड में नहीं लेकिन ऐसे ऑन छोड़ दिया था, लाइक क्विक रिकॉर्ड नहीं नॉर्मली. सो कुछ ऐसा सीन है तो फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं ऐसे ही बकबक बकबक कर रहा हूँ. तो फिर देखा कि अच्छा ये सीन है, कैमरा ऑफ था उस हिसाब से देखा जाए तो. अच्छा चलो ये भी ठीक है, आगे का फुटेजेस देंगे क्या है क्या हो जाएगा. तो लेट्स सी इफ एनी ऑफ माय ब्रदर्स आर देयर इन जुबली और नॉट. गाइस पता है क्या हुआ, मेरे आगे अभी एक ट्रक चल रहा था और उसके बगल में एक पुलिस या सरकारी गाड़ी, एक पुलिस वाला गेट से निकला, लाइक गेट से नहीं आई मीन चलते चलते जैसे धूम वगैरह में दिखाता है ना वैसे ही निकला, आधा अपना शरीर निकाला एंड मतलब पीछे का सीट से, एंड ट्रक वाले ने जो कंडक्टर था उसने उसको कुछ पकड़ाया. अब क्या पकड़ाया वो तो तुम लोग समझ जाओ, और तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लाइक एक दो सेकेंड के अंदर दोनों घुस गए. एंड पता है मैं वो सीन जैसे ही क्रॉस किया अभी तुरंत मैं कैमरा ऑफ किया, आई मीन सॉरी कैमरा ऑन किया. हेलो के बोल छो ऋषि? हाँ भाई बोलो. वीडियो दाड़ा एक मिनट, साइड दाड़ा दाड़ा एक मिनट. हाँ शाबाश शाबाश, जा घुरे आसा सेफली चला भाई. हे हे बॉय ना ना जस्ट हाईवे ना, मैं हाईवे तेई आसी ए तला मैं बेरोई टाटा. सो गाइस दुर्गापुर में मुझे एक अंकल को एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना था एंड आई डिड इट. एंड टाइम हो रहा है फिलहाल 7:02. सो फिलहाल आई एम लिविंग फॉर कैफे एक्सप्रेसो. गाइज मैं हर बार जितना बार भी दुर्गापुर आता हूँ ना ये इस रोड से गुजरता हूँ, ये वाला सीन मुझे बहुत फैसिनेट करता है. तो सिर्फ ये वाला सीन नहीं, इसका जो मीनिंग है जो मोरल है मेरे बोलने का, दैट मीन्स प्लांट्स एक्चुअली मेक रोड्स मोर एंड मोर ब्यूटिफुल. लाइक मैं नहीं बोल रहा हूँ रोड्स नहीं बनाओ, रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रोड्स के साइड साइड में अगर कुछ थोड़ा सा ग्रीनरी हो या फिर थोड़ा वेल अरेंज ग्रीनरी हो तब तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक. सो इट्स एक्चुअली अमेजिंग गाइस, चारों तरफ इंडिपेंडेंस डे का भरपूर सेलिब्रेशन चल रहा है, पूरा पूरा फ्लैग्स बिक रहा है. सो चलो 4-10 kilometers टू गो शायद से. चलो वी आर ऑलमोस्ट हियर, टूल क्रॉस करके बस थोड़ा सा ही आगे जाना है मिल जाएगा. गुड मॉर्निंग भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सो गाइस दो भाई मिल गए, ये लोग जाएंगे आजाद हिंद ढाबा और मैं बीच में रुक जाऊंगा कैफे एक्सप्रेसो पे. कैफे एक्सप्रेसो के सामने ही है आजाद हिंद ढाबा भी, और ऑलमोस्ट कुछ ना हो तो लमसम 120 किलोमीटर के आसपास है. हमारा देश का तिरंगा लहराते हुए कितना मस्त दिख रहा था सोचो. गाइस फाइनली आई एम हियर एट द कैफे एक्सप्रेसो. अच्छा और कोई भाई आया हुआ है, गुड मॉर्निंग. तले फर्स्ट अटेंडेंस तो हमार अरे वैसे आगे ना हमार काज ऐसे बोला मैं आगे एलम मैं एक जन एक टा काज खोल लाम इखने एक टुकने एक टा कॉफी ने वो खावो तार पर बुद्बुदा एक टा छोटा काज ऐसे एक बंदे से दहा करो तार पर रिटर्न तब हमार काज है जवार ऐसे हमार वही कहना मैं ग्रुप ऐसा तो एलम ना नहीं तो दोस्ता भेजे था तला आस्ते आसो.
राहुल शैतान तू रेडी हस नहीं? सो गाइस मैं अभी राहुल के घर से निकल रहा हूँ। आंटी ने बनाया था एक बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट, पेट और मन दोनों भर गया एंड वो राहुल है आगे। तो चलो एक बार यहाँ से फिर दोबारा से कैफे एक्सप्रेसो जाएंगे। कैफे एक्सप्रेसो में 5 मिनट रुकेंगे, भैया लोगों के साथ थोड़ा सा मीटअप कर लेंगे एंड देन वील हेड टू ऑफिस। हाँ मत बोलना, कमेंट करना नेशनल हॉलीडे में ऑफिस कहाँ से आ गया भाई। मेरा अपना ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, हो ही सकता है, ऐसा बात नहीं है। और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो बंदे काम नहीं करेंगे वहाँ पे। काम चोरी यस। तो काफ़ी ज़्यादा काम चोर बंदे हैं, अगर मैं नहीं जाऊँगा ना तो काम बहुत स्लो होगा। सो वी नीड टू हेड देयर एज सून एज पॉसिबल। 9:15 बज रहे हैं और राहुल ने फ्लैग देखो बहुत सही से सेटिंग किया। अब जैसे ही हाईवे में गाड़ी थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा, ऐसे हम लोग अभी 15 या 20 के स्पीड से जा रहे हैं। सो हाईवे में जब वो थोड़ा सा फास्ट चलेगा तब फ्लैग और ज़बरदस्त हवा में उड़ेगा, ऐसे ही लहरा रहा है देखो देश का तिरंगा। सो गाइज हियर गोज राहुल। अब देखो यार क्या लग रहा है यार, बस थोड़ा सा और अच्छा रोड्स में उठने दो, उसके बाद तो और भी जबरदस्त है लगेगा लिटरली। गाइस यार चेक करो क्या जबरदस्त लग रहा है, क्या जबरदस्त लग रहा है यार देखो। सो शायद से हम लोग आ गए हैं कैफे एक्सप्रेसो, शायद आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। अरे यार भाई मेरे, जितना गलती जितना लेट होना था क्या आज ही होना है? Once again we missed a cut, like exactly, and राहुल मुझे इंटरकॉम में भी गाली दे रहा है। ऑफ रोड्स गाइज, हियर वी आर एट कैफे एक्सप्रेसो वंस अगेन। एक एसी तक कहाँ हैं आप, किधर हो आप? जोकर थीम। सो गाइज रिटर्न जा रहे हैं अभी मैं, 4R 650 R15 एंड बुलेट। चलिए मिलन जाक। सो गाइज हम लोग फाइनली निकल गए कैफे एक्सप्रेसो से एंड जस्ट लुक एट दिस वेरी रेयर बीस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव 400cc बाइक ऑफ द वर्ल्ड पॉसिबली, लाइक रोड बाइक जो बोलते हैं, ट्रैक बाइक मैं नहीं बोल रहा हूँ, ट्रैक मशीन्स आर वे मोर एक्सपेंसिव, कभी कभार डबल प्राइस पड़ जाता है। सो दिस इज द ZX4R। तो जब इंडिया में RR लॉन्च नहीं हुआ था ये तब का मोटरसाइकिल है। सो कंसिडरिंग दैट इट हैज अ वेरी स्मूथ, वेरी ब्रूटल एंड वेरी ब्यूटिफुल साउंड एंड इट्स अ इनसेनली लुकिंग ब्यूटिफुल मोटरसाइकिल, एब्सोल्युटली ZX25R जैसा दिखने में है। सो गाइज ऑन द वे 4 मोर राइडर्स ज्वाइंड अस, दे आर गोइंग टू अयोध्या पुरुलिया। सो गाइज लुक एट दिस बाइक, इट इज द आइकॉनिक ट्रायम्फ स्पीड 400, अ ब्यूटिफुल लुकिंग मोटरसाइकिल, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट पूरा स्लीक है एकदम एंड फिटिंग पोस्टर देखो प्रॉपर अपराइट, LED इंडिकेटर्स ठीक है, एकदम एस्थेटिक पूरा ब्लैक कलर में, बार एंड मिरर्स, ब्यूटिफुल मशीन, H1 टायर्स लगा हुआ है मेरा बाइक में जो है, काफी अच्छा गाड़ी है एंड इवन इट मतलब भाई को देख के तो समझ में आ रहा राइड स्मूथ ऑन द हाईवे। So it's a beautiful Ram Speed 400, amazing machine it is. Bye bye.
ज़्यादा काम में ना फंस जाए, कैन जस्ट होप फॉर दैट। This was an extremely brutal hyper ride, which I absolutely do not recommend. But हाँ, कभी कभार, like literally सिर्फ कभी कभार मैं ही कर लेता हूँ, मैं भी, but still I don't recommend कि हाँ आप लोग करो। Number plate? वहाँ गिरा पति नहीं, तो तू उड़ा था। हम लेके हैं। हम ऐसे घुमाया, देखो उड़ गया, हमने फिर स्लो किए, सर्विस लेन से गए, उठा के लेके आए। रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर गया, साला होल्डर है चल गया। इसको ले लिया हम, सो गाइस मुझसे हो गया एक महंगा गलती किया, साइड में ये था और हम लोग हाँ थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग में ही थे, तो मैंने मेरा चलते 4R का जो पीछे का नंबर प्लेट ब्रैकेट था वो टूट गया, वो मेरे पास है अभी। अब ये उधर हो गया लिटरली महंगा गलती। गाइस 4R देख के लोगों का रिएक्शन देखो, सही में इनलाइन 4 का जलवा है। अब वो 4R का नंबर प्लेट ब्रैकेट टूटने के बाद मेरा भी मूड थोड़ा ऑफ हो चुका था, सो आई फॉरगॉट टू एंड द वीडियो। सो गाइस वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। एंड लिटरली गाइस मुझे इतना खराब लग रहा है, नॉट बिकॉज कि वो 4R का ये चल गया कि हाँ ठीक है वो दूसरे के गाड़ी है उस लिए खराब लग रहा है, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर विच आई डिड इन माई एंटायर राइडिंग करियर सिंस 2016। मतलब मुझसे जो ये गलती हुआ आई कैन नेवर एवर लाइक थिंक ऑफ इट। लाइक अभी भी जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सही में ये गलती मुझसे हुआ, लिटरली मुझसे जो इतना लॉन्ग राइड कर चुका है। सो गाइज नेवर अंडर लाइक ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, जो भी हो दिस इज अ लेसन फॉर मी। एंड जो भी हो गाइज, जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, मेरा भी मूड ऑफ था, सो लेट इट बी। तो गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, कैसा लगा नीचे जय हिंद कमेंट कर देना, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, बाय बाय।
उधर नहीं जाएंगे, इधर जाना है। ले लो उधर।